प्रधानमंत्री जी ने 11 जून को नई दिल्ली में जब कर्मयोगी मिशन का एक आ, एक प्रकार से प्रारंभ किया था उस समय उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाओं में विश्वास बढ़ाना वास्तव में ये सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है आज व्यवस्थाएं हमने बदलनी है व्यवस्थाएं हम बदलेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग इस हरियाणा में हरियाणा क्रमयोगी मिशन को प्रारंभ करने वाला देश में पहला राज्य है और पहले राज्य के नाते से हमको इस बात का गर्व भी है आखिर इस मिशन की जरूरत जैसे मैंने पहले बताया उसमें कुछ और बातें जोड़नी हो तो संस्कारों को कायम करना मूल्य आधारित हमारा आचार व्यवहार हो आदर्श कैसे स्थापित हो और ये सब चीजें आगे हमको बढ़ानी है ये नहीं है कि आज हम नई कोई आदर्श स्थापित कर रहे हैं अथवा तो मूल्य बना रहे हैं वास्तव में समाज के अंदर या किसी व्यवस्था में पहले से बने हुए थे लेकिन समय के साथ साथ ये सब कभी कभी दबते हैं कभी कभी उनको उजागर किया जाता है कभी कभी नए मूल्य भी समय के साथ बनते हैं तो इन सब चीज़ों को पहचान करके जान करके और हमको अपनी जिम्मेवारी को एक प्रकार से निभाना होगा और हम इस नैतिकता को आगे बढ़ाएं यही हमारी एक प्रकार से जिम्मेवारी है नैतिकता और विचारधारा इसमें अंतर होता है विचारधारा हमेशा किसी न किसी खास विचार से जुड़ी होती है खास तौर पर जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर अलग अलग विचारधाराएं देश में चलती हैं कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है लेकिन हम अधिकारी कर्मचारियों को हमको नैतिकता का ध्यान रखना है किसी प्रकार की राजनीति से ओतप्रोत होकर के अपना काम नहीं करना है ये हमारा व्यक्तिगत मामला है जहाँ हम विश्वास रखें जिधर विचारधारा में हम रहें वहाँ हम रहें लेकिन नैतिकता आखिर नैतिकता क्या है नैतिकता के कुछ लक्षण हैं नैतिकता ईमानदारी है नैतिकता समय पालन है नैतिकता काम चोरी नहीं होनी चाहिए ये नैतिकता है नैतिकता में मीठा वचन बोलना चाहिए किसी को ठेस न पहुँचाएँ ये नैतिकता है नैतिकता में अपनी क्षमताओं का दोहन करके और सेवा में पूरे रूप से लगाएँ ये नैतिकता है क्या ठीक है क्या गलत है इसकी पहचान वास्तव में ये नैतिकता है और नैतिकता में आचरण व्यवहार ये भी उतने ही जरूरी हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति से अच्छे कामों की अपेक्षा की जा सकती है आखिर तो ये सब करने के लिए ये कार्यक्रम ये रखा गया है ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और आइकन दबाना न भूलें